हेलो गाइस, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा चैनल टेक्नोस्ट्रेजी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है मेरे पास एक ब्लूटूथ एडेप्टर जो कि काफ़ी छोटा सा है। आज दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। और दोस्तों, आप ब्लूटूथ एडेप्टर ढूंढ रहे हैं तो ये ब्लूटूथ एडेप्टर आप लोग के लिए बेस्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, कंप्लीट डिटेल रिव्यू देते हैं किस प्रकार से है ये। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप अगर न्यू आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स पैकेजिंग हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। टीपी लिंक ब्लूटूथ 4.0 नैनो USB एडेप्टर। ओके, तो यहाँ पे 4.0 है ब्लूटूथ, देखिए यहाँ पे अंदर में रखा हुआ है। पहले दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, बॉक्स में ये सारी चीज़ें मेंशन किया हुआ है। ब्लूटूथ 4.0 मिलता है, यहाँ पे विंडो 8.1.10 प्लग एंड प्ले है। आप इस एडेप्टर को लगाएंगे और आपको कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट सपोर्ट कर जाएगा आपका ब्लूटूथ डिवाइस। ओके, जैसे फ़ोन में ब्लूटूथ सर्च करते हैं ना, कुछ उस प्रकार से। तो मैं करके बताऊंगा। यहाँ पे देखिए नैनो साइज है, इसका साइज जो है ना काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी सारे डिटेल्स मेंशन किया हुआ है। पीछे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ईयर का वारंटी है। और यहाँ पे आप इन सारे डिवाइसेस में कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, गेमिंग डिवाइस में, कीबोर्ड माउस, हेडफोन में दोस्तों आप कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। लैपटॉप और पीसी के लिए दोस्तों ये बेस्ट एडेप्टर है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अनबॉक्सिंग में कुछ है नहीं, सिंपल दोस्तों कुछ इस प्रकार से बॉक्स ओपन होता है। और दोस्तों यहाँ पे प्राइस की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 699, लेकिन दोस्तों ये अमेजोन में आपको 500 के अराउंड मिल जाएगा। मैं ये 490 रुपीज़ में लिया हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बॉक्स ओपन कर दिए हैं। ओके, यहाँ पे रखा हुआ है ब्लूटूथ एडेप्टर, कुछ इस प्रकार से ये ओपन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हमारा ब्लूटूथ एडेप्टर। ओके, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। और देखते हैं बॉक्स में दोस्तों, यहाँ पे आपको एक मैनुअल बुक मिल जाता है, किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है, क्या करना है, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं टीपी लिंक लिखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे ब्लूटूथ लिखा हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों आप जो ये साइज़ देख पा रहे हैं ना, ये आपका सिर्फ बाहर में रहेगा, और ये वाला पोर्शन तो आपका लैपटॉप USB जो जैक रहेगा उसके अंदर चल जाएगा। ओके, इससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे एक वाईफाई यूज़ करता था टीपी लिंक का, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये दोस्तों मैं 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और अभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आराम से चल रहा है। इसका भी बाय लिंक चाहिए तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, इसलिए दोस्तों यहाँ पे टीपी लिंक का मैं ये ब्लूटूथ डिवाइस परचेस किया हूँ, जो कि है ब्लूटूथ एडेप्टर 4.0। तो इसे दोस्तों अभी कनेक्ट करके दिखाएंगे पीसी में किस तरीके से चलता है, आपको पता चल जाएगा। और उससे पहले दोस्तों इस ब्लूटूथ को कंपेयर करके बताएं किसी चीज़ से। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास नए वाले 1 रुपये का कॉइन है, छोटा वाला। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस कॉइन से भी छोटा है, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो कुछ इस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों इसे लगाते हैं अभी पीसी में और देखते हैं ये किस प्रकार से कनेक्ट होता है, और आप अगर लेते हैं तो क्या क्या करना पड़ेगा ये देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेरा पीसी। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है, इसमें दोस्तों ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे जो मेरे पास एडेप्टर है इसे दोस्तों अभी लगाते हैं कंप्यूटर में। ओके, मतलब CPU में लगाते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पे कुछ चेंजेस होता है कि नहीं। मैं लगाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लगा चुका हूँ। ओके, और तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इंसर्ट करते ही ये ब्लूटूथ का ऑप्शन आ चुका है। इस पर आपको यहाँ पे टैप करना है, गो टू सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MI पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर डायरेक्ट कनेक्ट हो चुका है, कोई भी यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, प्लग इन किए और यहाँ पे दोस्तों ब्लूटूथ सपोर्ट कर चुका है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों ये सुविधा मिल जाता है इस ब्लूटूथ एडेप्टर से। तो आपका भी अगर लैपटॉप PC में अगर ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस तरीके का एडेप्टर लगा के दोस्तों आप सपोर्ट कर सकते हैं, हेडफोन वगैरह आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो माउस है ये भी मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके रखा हूँ और परफेक्टली वर्क कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये ब्लूटूथ एडेप्टर बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे आप अगर न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबा दें, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। और दोस्तों आपको अगर ये वाला ब्लूटूथ एडेप्टर बाय करना हो तो बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप अगर चाहे तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।